तो करें एक और बड़ी खबर का, दिल्ली की तिहाड़ जेल का प्रशासन टिल्लू ताजपुरिया की जेल के अंदर हत्या को लेकर विवादों में है। इस बीच एक और वीआईपी कैदी की सुरक्षा से लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की मांग पर जेल संख्या 7 के सुपरिटेंडेंट ने उनकी सेल में दो और कैदियों को रहने की इजाजत दे दी। दरअसल सत्येंद्र जैन ने जेल प्रशासन को चिट्ठी लेकर मांग की थी कि वो अकेला महसूस कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही तिहाड़ जेल के प्रशासन को इसकी भनक लगी तो तुरंत ही उन दोनों कैदियों को वापस भेज दिया गया। साथ ही जेल नंबर 7 के सुपरिटेंडेंट को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने ये मांग की थी कि वो अपनी सेल में अकेला महसूस करते हैं, ऐसे में कुछ और कैदियों को उनके साथ रहने दिया जाए। दो और कैदियों को उनकी सेल में शिफ्ट किया गया, लेकिन जैसे ही प्रशासन को खबर लगी वापस उन कैदियों को भेज दिया गया। साथ ही जेल नंबर 7 के सुपरिटेंडेंट को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा गया है। ये बड़ी लापरवाही तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन की सेल में दो और कैदी क्यों भेजे गए, किसकी इजाजत से भेजे गए, अब इस पर नोटिस जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेल के अंदर तिहाड़ जेल के अंदर किस तरह से टिल्लू ताजपुरिया की हत्या हुई थी, जिस तरह से उसके बाद से ही जेल प्रशासन सवालों के घेरे में है। वो सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला था और अब ऐसे में यहां पर सत्येंद्र जैन की सेल में दो और कैदियों को शिफ्ट किए जाने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।